अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस अभी जो है आज हम लोग धुआंधार जा रहे हैं एंड अभी हम लोग का यहाँ पे काफी ज्यादा पैदल चलते थे लेकिन आज हमारी हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी तो हमने ये ऑटो बुक की थी। तो हमारे अंकल हमको छोड़ने आ रहे हैं एंड बस स्टैंड मिलेंगे, बस स्टैंड से हम लोग बस पकड़ेंगे, इसके बाद हम लोग धुआंधार पहुंचेंगे। Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. So guys, अभी हम लोग धुआंधार के लिए आए थे बस लेने के, लेकिन ऑटो हम लोग ऑटो में जा रहे हैं क्योंकि ऑटो वाले भैया ये हमारे काफी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया जो हमारे हैं, यहाँ पे जितने भी ऑटो वाले हैं सब 50-100 से नीचे बातें नहीं कर रहे लेकिन भैया 15-15 रुपए में लेके जा रहे हैं हम लोगों को। तो अगर आप लोग कभी यहाँ पे आओ जबलपुर और आपको जाना हो तो अगर भैया दिखे तो इन्हीं के साथ जाओ। क्यों भैया? जी भैया ठीक है। तो यार भैया काफी इंटरेस्टिंग थे, मुझे लगा यार कि भैया को भी वीडियो में लाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑटो वाला है 50-100 से नीचे कोई बात नहीं कर रहा लेकिन भैया ने बोला हम ले आएंगे 15 रुपए में। तो भाई लोग जैसा आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं वेड़ा घाट, अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। यहाँ पे एंट्री है पीछे हमारे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलो अब चलते हैं अंदर देखते हैं क्या कैसा है। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोग वेड़ा घाट आ गए और यार क्या व्यू है यार, क्या व्यू पॉइंट है, इतना बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे आके, एक अलग टाइप की फीलिंग है। और देख सकते हैं आप पीछे हमारे कितना बढ़िया सीन है यहाँ का। एंड यार अभी हम लोग को बोट राइडिंग करनी है तो हम लोग कुलदीप गया है वहाँ पे टिकट लेने के लिए, फिर निकलते हैं बोट राइडिंग के लिए। तो भाई आप देख सकते हैं हम लोग बोटिंग के लिए निकल चुके हैं, ये हमारे कुलदीप और ये विवेक, बाकी पूरा फुल है। हाँ भैया भाई लोग ये बालकनी की सीट मिली हुई है हमें, भाई ने हमारे हमें बालकनी की सीट दे दी है हमारे भाई लोग। क्या बेहतरीन अभी चलेंगे 30 मिनट ये लोग हमको घुमाएंगे। जय नर्मदा मैया की, जय पार्वती मैया की, जय साइड गड्ढे का हिंदी मूवी जीवी का नाम है प्राण जाए और वचन ना जाए। यही पे आज सुनीदास प्रेरणा सामने रेखा सुनीदास में प्रेरणा को उड़ा डाके ओ माता। नदी है नर्मदा उल्टा चलती पूरब से पश्चिम, आधे लोग परिक्रमा करते हैं पैदल से 3 साल 3 महीने 13 दिन पद यात्रा। नाम है भूल भुलैया, इधर कन्फ्यूजन पॉइंट कटेन 3 रास्ता एक ही आने जाने का, आप लोग अंदाजा लगा बोर्ड चलेगी किस साइड, लेफ्ट चलना राइट और बताने वाले को बंपर पे राइट। तो भाई यहाँ भाई की फुल कमेंट्री चालू है और काफी अच्छा, यहाँ बोर बिल्कुल नहीं होने दे रहे, ये भाई लोग पीछे बैठ के इनकी कमेंट्री फुल देती है करो, तभी आता नजारा। और आप लोग पीछे देख सकते हो यहाँ पे नजारे तो आ रहे हो नहीं समझे तो मॉडर्न आ रहे, आप लोग यहाँ घूम रहे इन्हीं पहाड़ियों का नाम बेड़ा घाट। तो भाई लोग यही पे पहाड़ी पे लड़के वो खड़े हुए है और 50 रुपए देने पे वो लोग जंप करते हैं यहाँ नीचे, काफी ऊंची पहाड़ियों से जंप करते हैं वो लोग। और ये हमारे भाई लोग जो चला रहे हैं नाव वो भी बोल रहे कि हैं हमें 100 तो हम कूदेंगे क्योंकि उनको वहाँ जाना पड़ेगा। और भाई की कमेंट्री तो आकाश चोपड़ा फेल है, आप देख सकते हो लड़का जंप लगाने वाला है ये। तो भाई लोग यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं
सामने देखो यहाँ पे आप मार्वल देख सकते कितना बेहतरीन लग रहा है। तो चलो मिलते हैं आप लोग को घाट पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भाई की कमेंट्री बहुत ज्यादा है, मेरी आवाज काफी कम है तो आप लोग को समझ नहीं आ पाएगा, तो घाट पे मिलते हैं। सो भाई लोग, हम लोग वहाँ से आ चुके हैं, काफी मजा आया। जो हमारा गाइड था यार बेहतरीन बंदा, उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया था। एंड यार अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए, उधर आप लोग को दिखाएंगे घाट पे, हम लोग थोड़ा जंप वंप करेंगे, ये लोग बोल रहे हैं बचा लेंगे। वैसे मुझे थोड़ा बहुत तैरना तो आता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलो मिलते हैं आप लोग को घाट में जाकर। भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ काफ़ी अच्छा स्विमिंग की है। एंड जो हमारा भाई राहुल था, गाइड है हमारा, उसने यार क्या बेहतरीन मुझे बताया है कि कुछ टिप्स ऐसा तैरो, क्योंकि वो लोग यहीं से हैं, उनको तैरना काफ़ी अच्छा आता है। थोड़ी टिप्स दी मैंने, उसे फॉलो किया, काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग वीडियो देख ही सकते हैं मैंने कैसे स्विमिंग की है, एंड पीछे आप देख सकते हैं। और गाइस अभी हम लोग जो है निकल रहे हैं धुआंधार के लिए। अगर आप लोग यहाँ पे आओ और धुआंधार ना जाओ तो फिर क्या फ़ायदा यार। तो हम लोग धुआंधार जाएंगे, इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से धुआंधार में। फाइनली हम लोग धुआंधार पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप लोग पीछे हमारे देख सकते हैं। इधर अभी हम नज़दीक जा रहे हैं, कुलदीप और विवेक थोड़ा पीछे रह गए हैं, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ, थोड़ा आराम से चल रहा हूँ ताकि वो लोग भी आ जाए। एंड यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, दिखाता हूँ मैं आप लोग को इधर का क्या कैसा माहौल है। भाई लोग यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, एक साउंड आएगा नहीं, आप लोग देखिए बस। सो गाइस वहां से आने के बाद हम लोग काफी थक गए थे, एंड बेड में आते ही सो गए सभी लोग, किसी को भी होश नहीं था क्योंकि हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। एंड यार अभी रात के 1 बजे हुए और मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कल सुबह भोपाल निकलना है। ट्रेन अभी सुबह की थी 5 बजे, तो मैं उसको उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं दूसरी ट्रेन देख रहा हूँ जो 3-4 बजे समथिंग है, तो मुझे उसमें निकलना है और ये लोग भी निकल जाएंगे, इसलिए फटाक से मुझे आज ही एडिटिंग फिर करना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।